बबल का बटन दबाइए। आप छोड़ो भाई, पीछे ही है ना। दूसरा कोई दल जीतेगा तो किसी पाकिस्तान में मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के दौरान कई इलाकों से हंगामे, पथराव और मारपीट की भी खबरें सामने आई। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में तो जमकर हंगामा हुआ, बल्कि दो पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ। हालांकि स्थानीय पुलिस और फोर्स ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन इस हंगामे के बीच ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे हंगामा और ज्यादा बढ़ना अब तो पक्का सा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे न सिर्फ हंगामा होना पक्का है बल्कि विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर हो जाएगा। तो आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन जब एमपी के लोग दबाएंगे तो सीमा पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी, पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से दहशतगर्दों में दहशत होती है, इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा का पूरा बयान जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। कमल का बटन दबाइए, आप छोड़ो भाई, पीछे पीछे ही है ना। हिंदुस्तान में बनती है, आगे आगे करके ना। माइक यार माइक। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाए। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी, पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है, और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पर नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहां दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। ये कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है। कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है। कमल का बटन दबाने से देश में संपन्नता। कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने कहा है कि ये शुद्ध रूप से नरोत्तम मिश्रा का चुनाव है और नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में हार रहे हैं। उन्होंने जो दहशतगर्द की चर्चा की है, आज की तारीख में तो सबसे बड़े आतंकवादी नहीं है जो अपने आतंकवाद को फैलाकर चुनाव लड़ पाए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है। विधानसभा की कुल 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है और सभी को 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर जनता का साथ किसे मिला है और जनता ने किसे ठुकराया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।